हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप जब भी कोई एंट्री, चाहे वो परचेस एंट्री हो, चाहे सेल्स एंट्री हो, चाहे डेबिट नोट हो, क्रेडिट नोट हो, कोई भी एंट्री अगर आप अकाउंटिंग मोड में करते हो और उसके बाद जब आप कोई दूसरी एंट्री, परचेस सेल्स एंट्री करने जाते हो, तो यहाँ पे आपको आइटम सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आता है, तो उसका रीज़न क्या होता है, उसको किस तरीके से आपको, अगर आपको आइटम नहीं दिखाई देते तो आपको क्या करना है, वो सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपको पर्टिकुलर्स दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको आइटम इनवॉइस हाईलाइट नहीं कर रहा है। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये जो डेबिट नोट की एंट्री है उसको मैंने अकाउंटिंग मोड में एंट्री की है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको किसी से क्रेडिट नोट मिलता है जिसमें आइटम वाइज डिटेल नहीं होता है, सिर्फ आपको लेजर वाइज लिखा रहता है कि स्कीम डिस्काउंट वगैरह, तो उसका आप अकाउंटिंग मोड में एंट्री करते हो। तो अकाउंटिंग मोड में एंट्री करने के बाद अगर आप कोई भी एंट्री को अगर ओपन करोगे, चाहे वो सेल्स, परचेस, क्रेडिट नोट, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर अगर सेल्स की एंट्री ओपन करता हूँ तो भी यहाँ पे पर्टिकुलर सी लिखाएगा, यहाँ पे आइटम इनवॉइस नहीं रहेगा, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में रहेगा। अगर मैं परचेस एंट्री करता हूँ तब भी वो अकाउंटिंग मोड में रहेगा। और इस केस में अगर मैं यहाँ पे अगर कोई भी एंट्री अगर करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे लेजर ही दिखाई देते हैं, आइटम दिखाई नहीं देते। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे से आइटम इनवॉइस के ऊपर क्लिक करना पड़ता है, तभी यहाँ पे आइटम इनवॉइस दिखाई देता है। अगर मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को आइटम इनवॉइस करने के बाद अगर बाहर निकल के वापस अगर मैं वो डेबिट नोट एंट्री ओपन करता हूँ तो आपको ये एंट्री इस तरीके से दिखाई देगी। अगर इस एंट्री को वापस आपको अकाउंटिंग मोड में देखना है तो आपको फिर से अकाउंटिंग वाउचर में जाके यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस करना पड़ेगा, फिर आपको वापस बाहर निकलना पड़ेगा, फिर जाके अगर आप इस एंट्री को देखोगे तो आपको यहाँ पर वो अकाउंटिंग मोड में दिखाई देगा। तो इसका रीज़न ये है कि अगर आप कोई भी वाउचर को अगर आप अकाउंटिंग मोड करते हो तो वो सारे के सारे वाउचर टाइप परचेस, सेल्स, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सारे के सारे को अकाउंटिंग मोड में कर देता है। अगर आप किसी को अकाउंट आइटम मोड में करोगे तो ऑटोमेटिक बाकी सारे ट्रांजेक्शन भी आपको आइटम मोड में आ जाएंगे, बट उसका इफेक्ट जो रहेगा वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पर उसको आइटम अकाउंटिंग मोड में एंट्री किया हुआ है तो वो अकाउंटिंग मोड में ही रहेगा, सिर्फ आपको व्यू में उसका फ़र्क आ जाएगा। अगर आप दूसरे एंट्री को आइटम मोड में करोगे तो ये आइटम मोड में उसका व्यू करेगा, बट उसका एंट्री का इफेक्ट कोई अलग नहीं होगा, एंट्री का इफेक्ट वैसा का वैसा ही रहेगा। तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि अगर आपने कोई एंट्री अकाउंटिंग मोड में की है तो आपको यहाँ पे जब आप एंट्री करने जाओगे, चाहे वो डेबिट नोट, सेल्स, परचेस, तो यहाँ पे आपको आइटम मोड कर देना है, तो यहाँ पे आपको आइटम सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कोई आइटम क्रिएट नहीं की है, बट यहाँ पे जब भी आप एंटर करोगे तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ आइटम का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आपको चेंज करना रहेगा। आप अकाउंटिंग मोड में एंट्री करना चाहते हो अकाउंटिंग मोड रखो, आइटम मोड में एंट्री करना चाहते हो तो आइटम मोड में एंट्री रखो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने, क्योंकि बहुत सारे यूज़र को यही प्रॉब्लम होता है कि गलती से अगर यहाँ पे क्लिक भी हो जाता है तो यहाँ पे उनको आइटम सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आता। तो बस आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे आपको आइटम सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी का ऑप्शन भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्लिक करना है जिससे आपको आइटम सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ गाइड करना चाहता था। अगर आपको और भी कोई क्वेरी है कमेंट्स करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने के लिए। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो बनाता रहता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स और नंबर के साथ। तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।